एवरीवन, वेलकम टू द टुडेज़ क्लास। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहें, सेफ रहें। आज हम सीखेंगे पैरट बनाना। पैरट बनाने के लिए आपको एक छोटा सर्किल बनाना है, उसके अंदर आइज बनानी है और जो उसके ये हैं विंग्स हैं उसके लिए या फिर बॉडी पार्ट्स के लिए आपको वही कीप को प्रेशर देने का कमाल है। आपको ज़्यादा मोटा चाहिए तो आप ज़्यादा प्रेस करेंगे, आपको पतले चाहिए तो आप कम प्रेस करेंगे, या फिर आप लाइंस डाल के अंदर फिल करके भी बना सकते हैं। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, अलग अलग डायरेक्शन से बना के देखें और अलग अलग तरीके से बना के देखें। अब इसमें मैंने क्या किया है, जो अपर इसका जो विंग है उसे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है और जो लोअर बॉडी पार्ट है उसको नॉर्मली वैसे ही फिल्ड बनाया है डार्क पैटर्न में। ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना के देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। अब जो नेक्स्ट पैरेट है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा नहीं। जो हमने पैरेट बनाया है प्रीवियस, इसके लिए आपको वही नॉर्मल फेस बना के आपको कैरी शेप देना है, कैरी शेप को कवर कर देना है दूसरी कैरी शेप से जो कि हाफ होगी, और फिर इसकी टेल बना देनी है। अंदर की फिलिंग कर सकते हैं आप, चाहे तो शेड कर सकते हैं जैसे आपका मन करे। और याद रखें कि डार्क और लाइट का अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट है, इसमें हमने जो प्रीवियस में टेल जुड़ी हुई बनाई थी, इसमें हम टेल साथ में ही बनाएंगे, तो हम वही कैरी बना लेंगे फीदर इसके लिए, विंग्स के लिए, और जो टेल और अपर बॉडी वाला पोर्शन है उसको हम मर्ज करके बनाएंगे और फिर अंदर की फिलिंग कर देंगे। अब ये सब आप पैटर्न्स यूज़ कहाँ करेंगे, तो ये सब जितने भी डिज़ाइनर मेहंदी होती हैं आप उसमें बहुत फ्रिक्वेंटली पैरेट्स डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट पैरेट है इसका तो फेस ही हमने थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। हम पहले फेस बनाएंगे इसका, हम डॉट दे के उसको जलेबी वाले डिज़ाइन करके, उसके अंदर की जिमिजी वाले डिज़ाइन करके उसको फिर सर्कुलर शेप देंगे और फिर उसकी बीक बनाएंगे। फिर उसके बाद विंग्स जो है हमने आप बाहर की तरफ से ना बना के अंदर की तरफ से बनाया है, तो विंग बना लेंगे और फिर वैसे ही आप बॉडी पार्ट बना लेंगे और फिर उसके बाद टेल बना के इसके अंदर की फिलिंग कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग पैरेट बना रहे हैं, ये भी प्रीवियस पैरेट की तरह अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब अपोजिट साइड से बना रहे हैं, तो इसमें भी जो विंग है इसके आगे रहेंगे और फ्रंट पे रहेंगे और जो बॉडी पोर्शन है वो बैक पे रहेगा। हमने बॉडी पोर्शन को प्रॉपर फिल कर दिया है और विंग्स को हम लाइट फिल करेंगे, टेल बना के टेल को भी डार्क फिल कर देंगे। अब हम बताएंगे कि पैरेट डिज़ाइन को कैसे यूज़ करना है डिज़ाइंस बाकी डिज़ाइंस के साथ, तो वही हम पहले फ्लावर बना लेंगे गिजी मिजी वाला डॉट्स देके, और फिर हम इसे इसमें चेन्स बना के पैरेट्स को लटका देंगे। अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता लगती तो आप पहले चेन्स बना लें और बाद में पैरेट्स बनाएं, और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो पहले पैरेट्स बना के चेन बना के अटैच कर दें। कर्टन कैसे बनाते हैं, तो कर्टन्स के लिए हम पहले एक स्ट्रेट लाइन डाल लेंगे, उसमें गिजी मिजी वाला फ्लावर बनाएंगे और पैरेट बनाएंगे, चेन से उसको अटैच करेंगे, और बेल्स मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाई थी वही वाली बेल्स बना के इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ओवरऑल लुक बहुत अच्छा लग रहा है, और डिज़ाइनर्स मेहंदी में ये सब लुक तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट जो है, हमने कंटिन्यूटी और पैटर्न मेंटेन करने के लिए पहले बेल बनाई है फिर पैरेट बनाया है। अभी जो हमने पैरेट बनाया है वो अपोजिट साइड से बनाया है, इससे ज़्यादा फिनिशिंग आती है। सो गाइस, आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।